नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे पास एक वीवो का Y20E सेट आया है जिसमें FRP बाईपास करना है दोस्तों। तो आइए किस प्रकार से करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये नया वर्जन का सेट है दोस्तों, इसमें पुराना वाला ट्रिक नहीं काम करेगा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करें, स्टार्ट कर दें, नेक्स्ट करें दोस्तों, यहाँ पर आई एग्री कर दें, फिर यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करें दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट करें, यहाँ पे भी क्लिक करके नेक्स्ट करें दोस्तों, और यहाँ पे आप कोई वाईफाई कनेक्ट कर दे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम इसका पासवर्ड डाल देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों, हमने यहाँ पे इसका डाल दिए हैं। अब इसका कनेक्ट करते हैं, देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से नेक्स्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे इसका डॉन्ट कॉपी करें, ठीक है, देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मांग रहा है, पर ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आइए फिर हम बैक चलते हैं और देखते हैं इसका क्या है और कैसे करना पड़ेगा सो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ऑल सी नेटवर्क पर कनेक्ट करें, यहाँ पे ये न्यू नेटवर्क पर क्लिक करें दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे डेनी है, फिर यहाँ पे डेनी पे क्लिक करें। अब देख पा रहेंगे यहाँ पे अलाउ हो गया है, ठीक है, यहाँ परमिशन में आया दोस्तों, और परमिशन में आई यहाँ पे सर्च करें दोस्तों, एप्स APPS एप्स सर्च करें दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये डेल्फ्ट एप्स हैं, इस पर क्लिक कर दे दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एप्स इंफॉर्मेशन है इस पर आए दोस्तों, और आने के बाद आप यूट्यूब पे जाएं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद नोटिफिकेशन में जाएं, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग इन द एप्स है दोस्तों, इस पर क्लिक कर दे आप, और ये जो अबाउट है अबाउट पे जाके क्लिक करें दोस्तों। यहाँ पे यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस है, इस पर भी क्लिक कर दे दोस्तों, और यहाँ पे क्रोम है, क्रोम पे ऑन कर दे दोस्तों, ठीक है, एक्सेप्ट कर दें, नो थैंक्स करें दोस्तों, और यहाँ पे सर्च करें दोस्तों VN Room, ठीक है दोस्तों, बाईपास, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग पे जाएं दोस्तों, सेटिंग पे जाएं, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप सिस्टम पे जाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस सिस्टम पे आएं और यहाँ पे रिसेट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दे दोस्तों, रिसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करें दोस्तों, ठीक है, इसको रिसेट कर दें, और ये थोड़ा ओपन होने में टाइम लगेगा दोस्तों, तब तक हम वीडियो के फॉरवर्ड कर देते हैं दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारा सेट बिल्कुल हो गया है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको क्लिक कर दे दोस्तों, और वाईफाई को कनेक्ट कर ले दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे इसको फिर से आप अपना कोड नंबर डाल दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, और पहले के जैसा फिर से करना है दोस्तों, ठीक है, तो बस इस वीडियो पे बने रहे दोस्तों, बैक करें दोस्तों, और यहाँ पे CL वाईफाई नेटवर्क है, इस पर क्लिक करें, ये नेटवर्क पे क्लिक करें दोस्तों, अब फिर से यहाँ पर अलाउ कर दें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर से परमिशन में जाकर यहाँ पे सर्च करें, एप्स पे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस पर फिर क्लिक कर दें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे CL एप्स हैं, इस पर क्लिक कर दें दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे YouTube पे आइए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद नोटिफिकेशन में जाइए दोस्तों, एडिशनल सेटिंग को फिर से ऑन कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद फिर एप्स में जाइए, फिर YouTube टर्म्स में जाकर इसको क्रोम के
ऑन कर दे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे फिर आपसे सेम से भी एन रूम सर्च करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने कर दिए, हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन स्मार्ट लॉक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, और पहले ही पिन लॉक था, अब हम इसमें पैटर्न लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये इसमें पैटर्न ऐसे लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट करें दोस्तों, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करें दोस्तों, कंफर्म कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यस आई मीन गोट इट कर दे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे आप बैक हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ये फुली बैक हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर से आप नेक्स्ट जाएं, यहाँ पे डोंट कॉपी करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले तो इसमें पिन मांग रहा था, पर अब यहाँ पर देख लीजिए पैटर्न मांग रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये मोबाइल इंडिया से किस्त पे लिया गया है और ईएमआई न भरने की वजह से कंपनी इसको बंद कर दिया। आप सेम ट्रिक आप अपने मोबाइल पे अप्लाई करिए, आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।